अभी हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत बल बिहाल में, जहां से पहले कृष्ण कुमार जो हैं प्रधान भी रह चुके हैं, अब दोबारा इनकी पत्नी जो है बल बिहाल के लिए प्रधान पद से उम्मीदवार उतरी हैं। आइए जानते हैं किन मुद्दों को लेकर जो है कृष्ण कुमार जी की पत्नी जो है बल बिहाल में प्रधान पद के लिए उतरी हैं। इनकी कंपेनिंग में जो उनके पति जो हैं प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, आइए जानते हैं कृष्ण कुमार जी से कि किन मुद्दों को लेकर वो प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। कृष्ण कुमार जी, आपका स्वागत है एच टुडे में। धन्यवाद सर। हम विकास के मुद्दा जो है, मैंने 2011 से लेकर 2016 तक मैं बल बिहाल पंचायत का प्रधान रहा। उस वक्त इस पंचायत ने नए आयाम जो हैं वो स्थापित विकास के किए हैं, जैसे कि हमने इस पंचायत को निर्मल स्वच्छता अभियान में पुरस्कार दिलाया। स्टेट लेवल पर हमारी पंचायत जो थी वो प्रथम रही, और साथ में जो इस पंचायत में मेरा लोगों से स्नेह और प्यार है, मैं इस बार चुनाव के लिए तैयार नहीं था। मेरी पंचायत की जनता जो थी वो नहीं मानी, और उनके कहने से बल बिहाल की जो समस्त बुद्धिजीवी जनता है उनके कहने से इस बार मैंने अपनी धर्मपत्नी को चुनाव में प्रधान पद के लिए बल बिहाल पंचायत में उतारा है। मेरा एक ही लक्ष्य है, बल बिहाल का नाम जो है वो ऊंचाइयों पर रहे और विकास जो है वो निरंतर सबको एक समान, सबको एक इसमें लेके जो है इस पंचायत का उद्धार किया जाए। और इन्हीं मुद्दों को लेके जो है हम लोगों के पास हैं, और लोगों से हमें स्नेह प्यार जो मिल रहा है उसके लिए हम बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं, मैं अपने आप को और मेरा परिवार, की जो बल बिहाल की जनता हमें सहयोग और अपना आशीर्वाद दे रही है। मैं गांव-गांव में जाता हूं तो मेरे साथ लोगों की भीड़ अब उड़ जाती है। कोविड-19 की चलते हम थोड़ा कम लोगों से प्रचार करते हैं, लेकिन जब भी मैं चलता हूं तो 40-50 लोग जो हैं वो गांवों में मेरे साथ जुड़ जाते हैं। और इसी तरीके से मैंने भी और मेरी धर्मपत्नी ने भी एक दौरा जो है इस पंचायत का कर दिया है, और दूसरा दौरा हम दोबारा अगले कल से जो है वो करने जा रहे हैं। और सभी लोगों का एक ही नारा है इस पंचायत में, आप कहीं भी पता कर सकते हैं कि ये जो 5 साल हैं और पंचायती राज का जो है ये मेरे 5 साल जो है, बस यही मेरा लास्ट चुनाव रहेगा। 5 साल ही हम इन लोगों के आशीर्वाद से जो मौका मिलेगा तो हम सेवा का मौका तत्पर, जो भी हमारी पंचायत में कोई कमियां रही हैं विकास को लेके, सड़क का निर्माण हो या अन्यथा कई और मुद्दे हैं, IRD का एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस पंचायत में, क्योंकि हमारे काशी परिवार जो थे वो IRD में थे लेकिन वो सभी के सभी काट दिए गए हैं। तो जब मैं गाँव में जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसे लोग मिलते हैं जो बिल्कुल ही IRD के पात्र लोग हैं, जिनको कहीं से भी 1 रुपये की आमदनी नहीं है। वो लोग जो हैं वो जैसे ही हमें अगर जनता का प्यार और स्नेह मिलता है, आते ही हम जो हैं वो IRD के ऊपर जो है वो एक सर्वे करवाएंगे, और जो पात्र लोग हैं उनको उनकी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधा मिलती है उनको दिलाई जाएगी। इसी तरीके से चरणबद्ध तरीके से जो हमारे काम है, चाहे सड़क का काम हो, पानी का काम हो, पेंशन का काम हो, अन्यथा जो भी समाज से जुड़े हमारे काम हैं वो सबको साथ लेके एक इसमें लेके हम चलते हैं। और हमारा जब मैं प्रधान रहा हूँ तो मेरा एक यही रहता था कि हर गांव में मीटिंग करके फिर काम शुरू करना, जो जरूरी काम है, सार्वजनिक काम है, उसको सारे गांव को साथ लेके तभी कार्य करना, उससे जो है सभी का प्यार भी रहता है और काम जो है वो भी अच्छे होते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेके जो है हम लोगों के बीच हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग जो हैं वो मुझे एक तरफा समर्थन दे के जो है 21 तारीख को जो है वो मेरी धर्मपत्नी को जो है वो प्रधान पद के ऊपर बैठाएंगे, और उससे हम 5 साल जो है वो दिन रात अपना हर इका छोड़ के, अपना कोई काम छोड़ के मैं तत्पर रहता हूँ लोगों के कामों के लिए, तो उसके लिए हम तत्पर रहेंगे और 5 साल जनता की सेवा करेंगे।
कृष्ण जी से क्या क्या काम करवाए हैं जिला परिषद रहते हुए उन्होंने? देखिए, जिला परिषद रहते हुए हमें जो भी 2-2.5 साल बजट नहीं मिला, 2.5 साल के बाद जो भी बजट मिला, तो हमारी 12 पंचायतें थी, सब पंचायतों को सम्मानजनक बजट दिया गया। उसके बाद जो बल बिहाल में है वो 2.5 लाख रुपया जो है वो भिन्न भिन्न कार्यों पर लगा है, जैसे रोड का कार्य हो, रेन शटर हो, शमशान घाट के रेन शटर हो, या क्या नाम है, टैंक, जो हमारा एक गांव है वहाँ एक स्कीम है, पानी की स्कीम उठाई गई है, उसके लिए 5 लाख रुपया जो है वो टैंक के लिए, पूरे गांव को पानी वहाँ से ओवरहेड टैंक बनेगा उसके लिए दिया गया है। कुओं के लिए पैसे दिए गए हैं, हमारे सोलर लाइटों के लिए पैसे जो हैं 2.5 लाख रुपये का बजट बनता है, जो कि इस पंचायत में, मेरी अपनी जो स्थानीय घर की पंचायत थी, इसमें जिला परिषद द्वारा दिया गया है। और समय समय पर फिर भी हम लोगों से, और भी अन्य कोई भी लोगों का कार्य हो, तो उसके लिए हम हर वक्त तत्पर रहते हैं। किसी भी मुसीबत में हम लोगों के साथ चले रहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की लोगों की मुसीबत हो, उसके वक्त हम खड़े रहते हैं। इसी से हमें जो है वो जनता का, भल बयाल की जनता का स्नेह और भरपूर प्यार जो है वो इस चुनाव में मिल रहा है। प्रधान जी, बात की जाए तो आप वोटरों से क्या अपील करेंगे, जो आपकी पत्नी को चुनाव चिन्ह दिया गया, क्या अपील करेंगे? वोटरों से मैं यही अपील करूंगा कि 21 तारीख का दिन होगा और ताला चाबी जो है पहला नंबर का बटन ना पहले नंबर का वो निशान होगा और उसके ऊपर मोर जो है वो लगा के भारी मतों से जो है वो जो मेरा स्नेह और प्यार जो काम लोगों में है, तो उसको देखते हुए लोग जो है वो वोट डालेंगे। ये थे हमारे साथ बल बिहार पंचायत के पूर्व प्रधान कृष्ण कुमार, जो अभी अपनी पत्नी के लिए प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। इनका कहना है कि गांव में जो विकास करवाएंगे, पहले भी इन्होंने विकास करवाया है लेकिन पिछले कुछ समय से विकास रुका हुआ था। इनके गांव में जो थे बीपीएल के कुछ परिवार थे, उनको काटा गया है, उनको अब दोबारा से भी बीपीएल में डलवाने की इनकी प्राथमिकता रहेगी। हमीरपुर से एच टुडे के लिए अशोक राणा।